तालीम के बग़ैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। किसी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशा हैं। कौम अपने अज़्म और हौसले से कई चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर की मुलाकात। इस्लाहात और तरक्की के लिए मजबूत पार्टनरशिप पर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। वकीलों का पुलिस पर पथराव, अहलकारों का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तसादुम में एसपी मॉडल टाउन, एसएचओ समेत मुतद्दद पुलिस अहलकार और कई वकला जख्मी हुए। 30 के करीब वकला को हिरासत में लिया गया, मुख्तलिफ थानों में बंद। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। एसएन भवन का मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। वकला कल अदालतों में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट बार्स की भी फैसलों की तायद। हुकूमत ने फिर आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में 2.83 रुपये फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रमा माह के बिजली बिलों पर होगा। आवाम पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाइफ लाइन सार्फीन पर इतलाक नहीं होगा।